नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैनन के इस पिक्समा प्रिंटर की मॉडल नंबर Z3010 प्रिंटर में आप प्रिंट स्कैन और कॉपी अपने मोबाइल के माध्यम से कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है कैनन प्रिंट इंकजेट। आप ज़रूर से चेक कर लें कि उसका डेवलपर canon.inc होना चाहिए। मेरे फ़ोन में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। आपका प्रिंटर आपके फ़ोन के वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर इस प्रिंटर में प्रिंटर को ऑन कर लें। ऑन करने के बाद यहाँ सबसे ऊपर नेटवर्क बटन को प्रेस करें तो इसका नेटवर्क आपके फ़ोन के वाईफाई में शो होने लगेगा। आप अपने फ़ोन के वाईफाई मेन्यू में जाएं, यहाँ पर देख सकते हैं आप G3010 सीरीज़ का वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल है। आप इससे कनेक्ट कर लें। इसका पासवर्ड जो होता है आपके प्रिंटर के पीछे दिया गया सीरियल नंबर होता है। हर एक प्रिंटर के पीछे एक स्टिकर लगा होता है, उस स्टिकर पे इस प्रिंटर का सीरियल नंबर होता है। उस सीरियल नंबर को एज इट इज़ इसमें पासवर्ड डाल दें और पासवर्ड डालने के बाद जब यह कनेक्ट होता है तो आपको एक मैसेज आता है कि दिस नेटवर्क डोंट हैव एनी नेट इंटरनेट, तो आप उसे कीप कर लें। ये आपका फ़ोन अब इस प्रिंटर के साथ टोटली कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद आप इस कैनन प्रिंट ऐप को ओपन कर लें और यहाँ पर आप जो ये तीन ऑप्शन देख रहे हैं स्कैन, कॉपी और मोर, इसमें आप बहुत सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉपी कैसे करना है। कॉपी करने के लिए हमने यहाँ पर पेजेस डाल दिया है और जैसा कि यह एक सर्टिफिकेट है जो मुझे फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेशन के लिए मिला था तो इसे मैं कॉपी करना चाहता हूँ, स्कैन नहीं कॉपी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये A4 का मार्क दिया हुआ है, ध्यान देंगे ये लाइन पर ही रखेंगे इसको और इसको बंद कर देंगे। मैनुअल कॉपीइंग के लिए तो यहाँ पर आपको ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो इस ब्लैक को प्रेस करें, कलर चाहिए तो इस कलर को प्रेस करें, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोबाइल से करने की तो यहाँ पर हम कॉपी पे प्रेस कर देंगे। यहाँ पर आपको पेपर्स की सेटिंग आ जाएगी, कितनी कॉपी चाहिए आपको, पेपर का साइज़ क्या है, प्लेन पेपर है या फोटोग्राफिक पेपर है, कितने GSM का पेपर है वो आप इसमें सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पर फिर से आपको दो ऑप्शन आ रहे हैं ब्लैक कॉपी और कलर कॉपी, तो मैं कलर कॉपी निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने कलर कॉपी पर टच कर दिया है और यहाँ पर ये हमें फिर से पूछ रहा है एंटर द पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड, तो हम फिर से अपने प्रिंटर का पासवर्ड इसमें डाल देंगे। ये देखिए प्रिंटर का पासवर्ड डालते ही कॉपिंग स्टार्ट हो गया। कॉपी होने के बाद वो हमारा पेपर यहाँ नीचे से बाहर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉपिंग चल रही है। कॉपिंग के बाद मैं सेम चीज़ को स्कैन करूँगा, ये सब वायरलेसली हो रहा है। स्कैनिंग यहाँ होगी और फाइल यहाँ आपके मोबाइल में डिस्प्ले होगा। कॉपीइंग वाला यह ऑप्शन थोड़ा टाइम टेकिंग है, 30 से 40 सेकेंड या एक मिनट भी लग सकते हैं आपको। देखिए अब जाकर यह कॉपीइंग स्टार्ट हुआ है और आपको कॉपी होने के बाद यहां से मैंने कलर ऑप्शन चूज किया था तो कलर कॉपी यहां से हमको बाहर मिल जाए। ये देखिए लगभग 30 सेकेंड में हमारा सर्टिफिकेट कॉपी होकर बाहर आ गया। अब हम इसी को स्कैन करने की कोशिश करते हैं। सेम फाइल को हम यहां से यहां पे हम स्कैन पे जैसे ही टच करेंगे यहां पे फिर से सेटिंग आ जाएगा कि आप कौन सा फॉर्मेट चाहते हैं। आप चाहें तो इसको PDF या JPEG कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट है या फोटो है, क्या है, मोड कलर है और डॉक्यूमेंट का साइज़ क्या है। अब जैसे ही यहाँ पर स्कैन बटन टच करेंगे ये फाइल
स्कैन होकर आपके मोबाइल में डिस्प्ले हो जाएगा और सेव भी हो जाएगा आपके मोबाइल डिवाइस में, ये स्कैनिंग होने के बाद सेव हो जाएगी। तो फिर से अगेन वही 30 से 40 सेकेंड लगेंगे, स्कैन होकर ये सर्टिफिकेट मेरे फ़ोन में सेव हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अपने फ़ोन के माध्यम से प्रिंट कैसे निकालें किसी भी फ़ोटो या डॉक्यूमेंट का जो कि आपके फ़ोन में है। ये देखिए, ये स्कैनिंग होके मेरे फ़ोन स्क्रीन में आ गया। यदि आप स्कैनिंग कंटिन्यू करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट को इसे आप बदल दें और अगेन से इस स्कैन को टच करेंगे तो पेज टू हो जाएगा वो, और इसे आप यहीं पे स्टॉप करना चाहते हैं तो ये सेकंड ऑप्शन चूज कर लें तो आपका फाइल जो है वो आपके फ़ोन डिवाइस में सेव हो चुका है। अब मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ और अब हम देखेंगे कि प्रिंट कैसे निकालना है। तो प्रिंट निकालने के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो प्रिंट और डॉक्यूमेंट प्रिंट, ये दो ऑप्शन दिए हैं आपको। तो चलिए हम कुछ एक अपने फ़ोन का कोई एक फ़ोटो प्रिंट निकाल कर चेक करते हैं, देख लेते हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए ही। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी एक पेज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये एक फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसमें आप चाहें तो कई मल्टीपल फ़ोटोज़ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखाने के लिए कोई एक फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा। पहले फ़ोटो प्रिंट, यहाँ पर से मैं कोई एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट देन अगेन यहाँ पर आप चेक कर लें कि साइज़ क्या है, A4 कलर, पेपर साइज़ और प्रिंट सेटिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। कॉपीज़ नंबर, कितने नंबर ऑफ कॉपीज़ आप चाहते हैं, पेपर साइज़ क्या है, प्लेन पेपर है या फोटोग्राफिक पेपर है, बॉर्डर प्रिंट चाहते हैं या कैसा प्रिंट चाहते हैं, ग्रे स्केल ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। तो प्रिंट सेटिंग हमारी सही है और हम यहाँ पर प्रिंट कमांड दे देते हैं। तो जो तस्वीर यहाँ पर आपको मोबाइल में दिख रही है वही तस्वीर यहाँ से निकल कर बाहर आ जाएगी कलर में, क्योंकि यही कमांड हमने दिया था। तो आपने देखा कि हम मोबाइल का इस्तेमाल करके कैसे कैनन के इस G3010 प्रिंटर से वायरलेसली प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों कर सकते हैं अपने मोबाइल डिवाइस, अपने एंड्रॉयड डिवाइस से। अगले वीडियो में हम इसी प्रिंटर को अपने आईपैड से कनेक्ट करके देखेंगे कि आईपैड की मदद से आईपैड में सेव्ड डॉक्यूमेंट्स या फोटोज़ का प्रिंट कैसे निकालना है या स्कैनिंग कैसे करनी है, आईपैड वाले ऐप की बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और टिप्स ट्रिक्स या टेक्निक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेक्निकल वीडियोस, फोन, स्मार्ट वगैरह देखने के लिए।